एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये कल जामिया मिलिया इस्लामिया का अभी 22 का फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, उसी का सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ, उसके जो क्वेश्चंस मिले हैं मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है हाफ होती है, वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो हाफ है लेकिन वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन की इंटीग्रल स्पिन होती है और वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो इंटीग्रल है और वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है हाफ, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सबकी स्पिन क्या होती है, हाफ होती है और किसको फॉलो करते हो, एफ टी यानी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, ये मैंने पहले भी बताया है कि जैसे वन डायमेंशनल वेल में है, बोजोन्स रख दिए, फर्मियोन्स रख दिए, इनके क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इवन आप नेट का भी एग्जाम दोगे। दो आइडेंटिकल बोजोन्स हैं जिनको आपने वन डी बॉक्स में रख दिया, एनर्जी सिस्टम की है 5π² h² / 2 ml², तो स्पेस पार्ट ऑफ वेव फंक्शन क्या होगा आपके पास। ये चार ऑप्शन गिवन है आपको, ψ1 √2/L sin(πx1)L sin(2πx2)L +sin(πx2)L sin(2πx1)L, इसी तरह से ये चार ऑप्शंस हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एनर्जी क्या है आपके पास, 5π² h² / 2 ml² और जनरल क्या होती है, अब आपके पास है 1D में, तो यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, वन डायमेंशनल बॉक्स है और टू बोजोन्स हैं, क्या हो जाएगी, जनरल होती है n² π² h² / 2 ml². तो आपके पास दोनों ही तो पॉसिबिलिटी है ना, फर्स्ट पार्टिकल आपका n = 2 स्टेट में हो और सेकेंड पार्टिकल किस में हो, n = 1 स्टेट में हो। लेकिन ये बोजोन्स हैं, इनका वेव फंक्शन क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है, तो आप किससे दिखाते हैं, 1/√2 और दोनों का वेव फंक्शन ले लो, √2/L। अगर हम मान रहे हैं फर्स्ट बॉक्स में है, फर्स्ट जो है बोजोन है n = 1 में, सेकंड किस में है, n = 2 में, इसी तरह से फर्स्ट बोजोन n = 1 में है यानी x² आपने चेंज कर दिया है, सेकंड को फर्स्ट में ले आए और इस तरह से जो है सेकंड वाला जो n = 2 स्टेट था वो x1 में चला गया, तो x1 x2 आपके पास ये दो स्टेट्स हैं। इस तरह से आप जो है बोजोन्स के वेव फंक्शन को दिखा सकते हो। तो ओवरऑल क्या आएगा, ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, √2/L sin(πx1)L sin(2πx2)L, यानी आपने एक्सचेंज कर दिया है दोनों पार्टिकल्स को, तब भी वेव फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी वो सिमेट्रिक ही रहेगा, पॉजिटिव साइन ही देगा, प्लस sin(πx2)L sin(2πx1)L। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्यान से देखिए, √2/L sin(πx1)L sin(2πx2)L +sin(πx2)L (sin(2πx1)L। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आया हुआ था लग्रांजियन है चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है, जिस पर स्केलर पोटेंशियल फाई है, वेक्टर पोटेंशियल ए है, वी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो उसकी लग्रांजियन क्या होगी, ½mv² +q(φ) +q(v·a) ½mv² - q(φ) - q(v·a) ½mv² - q(φ) +q(v·a) ½mv² + q(φ) - q(v·a) काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½mv² पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब आपके पास स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल काम कर रहे हैं, q(φ) - v·a। अब लग्रांजियन क्या है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यानी दोनों का डिफरेंस लीजिए, टी मैं काइनेटिक एनर्जी को कह रही हूँ, ½mv² - q(φ) - v·a ½mv² - q(φ) + q(v·a, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या पूछा गया था, आपके पास कंसेप्ट था, कौन सी फॉलोइंग फोर्सेज जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को दिखाएगी। चार ऑप्शंस थे आपके पास फोर्स के और जो IJKK की टर्म्स में हैं, तो सबसे पहले इसका जो है सॉल्यूशन क्या रहेगा, इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा यहाँ पे रिपीट किया है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या है, कर्ल जो है फोर्स का नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैंने चारों ऑप्शन चेक किए, इसमें से जस्ट डी वाला जो ऑप्शन था उसी का कर्ल जीरो के इक्वल नहीं था, बाकी सबका कर्ल क्या हो रहा है, जीरो। फोर्थ को मैंने सोल्व करके भी दिखाया है, बाकी को भी सोल्व किया था लेकिन मैंने जस्ट फोर्थ को दिखा दिया है,
आई जे के डेल को क्या लिख सकते हैं, कर्ली वाई कर्ली एक्स, कर्ली वाई कर्ली वाई, कर्ली वाई कर्ली जेड। फोर्स को क्या लिखोगे डी ऑप्शन से, एक्स के वाई जेड जीरो माइनस एक्स वाई जेड स्केयर। अब इसका सोल्व कीजिए डिटरमिनेंट आई, ये कर्ली वाई क्या आ गया ऐसे, माइनस एक्स जेड स्केयर माइनस कर्ली वाई जेड ऑफ जीरो प्लस जे, यानी इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स केयर वाई इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लस वाई जेड स्केयर प्लस के जीरो माइनस एक्स केयर जेड। क्या ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, नॉन जीरो के इक्वल है आपको दिख रहा है, कोई भी टर्म जो है आई इंटू जीरो होता आपके पास, जीरो क्या फॉर्म बनता, आई इंटू जीरो प्लस जे इंटू जीरो प्लस के इंटू जीरो, जो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉन जीरो है। सो डी ऑप्शन इज राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लग्रांजियन पे आया हुआ है, हैमिल्टोनियन निकालने को बोला। मैंने पहले भी बोला ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, लग्रांजियन गिवन है तो हैमिल्टोनियन, इवन नेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लग्रांजियन क्या गिवन थी, ए एक्स डॉट स्केयर प्लस बी वाई डॉट स्केयर माइनस के एक्स वाई। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लेते हो, कंजुगेट मोमेंटम निकालते हो, कैसे निकलता है, कर्ली एल बाई कर्ली एक्स डॉट, क्या आ गया टू एक्स डॉट। लग्रांजियन किसका फंक्शन होती है, क्यू कोमा क्यू डॉट का, टू ए एक्स डॉट, बाकी तो कोई एक्स डॉट पे डिपेंडेंट टर्म ही नहीं है। इसी तरह से बी वाई निकाल दो, कर्ली एल बाई कर्ली वाई डॉट, यहाँ से आएगा टू बी वाई डॉट। अब हैमिल्टोनियन क्या होता है, पी क्यू डॉट माइनस लग्रांजियन, पी इंटू क्यू डॉट माइनस लग्रांजियन, पी आपके पास पी एक्स है और पी वाई है, पी एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस पी वाई इंटू वाई डॉट माइनस लग्रांजियन, पी एक्स है टू एक्स डॉट एक्स डॉट प्लस पी वाई क्या है टू बी वाई डॉट माइनस लग्रांजियन, यानी ए एक्स डॉट स्केयर प्लस बी वाई डॉट स्केयर माइनस के एक्स वाई। क्या मिला, टू एक्स डॉट स्केयर माइनस ए एक्स डॉट स्केयर, ए एक्स डॉट स्केयर आ गया, टू बी वाई डॉट स्केयर माइनस बी वाई डॉट स्केयर, बी वाई डॉट स्केयर प्लस के एक्स वाई। अब ए इंटू एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, पी एक्स बाई टू ए, यानी पी एक्स स्केयर बाई फोर ए स्केयर प्लस बी इंटू वाई डॉट स्केयर पी वाई स्केयर बाई फोर बी स्केयर प्लस के एक्स वाई, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू पी एक्स स्केयर बाई फोर ए प्लस बी वाई स्केयर बाई फोर बी प्लस के एक्स वाई। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये आई थिंक सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी गेन कर लेता है और उसका रिलेटिविस्टिक मास क्या बन जाता है, टू एम नॉट, तो आपको जो है वेलोसिटी बतानी है, उसकी वेलोसिटी क्या बन गई यहाँ पे, वेलोसिटी फाइंड आउट करना, रूट थ्री बाई टू सी, थ्री बाई फोर सी, थ्री बाई टू सी, रूट थ्री बाई टू सी। आपको पता है मास आपको रिलेटिविस्टिक, यानी जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक तो वो रेस्ट पे है तो उसका मास एम नॉट है, जब वो मूव कर रहा है तो उसका मास क्या हो गया, टू एम नॉट। तो मास की क्या होगा, आप जो है रिलेटिविस्टिक मास एम बन गया, उसको एम नॉट की टर्म्स में क्या फॉर्मूला रिलेट करते हो, एम नॉट डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ वन माइनस बी स्केयर बाय सी स्केयर, दैट इज इक्वल टू टू एम नॉट, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट, क्या बन गया वन माइनस बी स्केयर बाय सी स्केयर, दैट इज इक्वल टू वन बाई टू, वन माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर इज इक्वल टू वन बाई फोर, वी स्केयर बाई सी स्केयर वन माइनस वन बाई फोर, थ्री बाई फोर, वी क्या आ गया रूट थ्री बाई टू सी, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्केलर होता है वो टेंसर रैंक जीरो होता है, वन होता है रैंक टू नोटेड, स्केलर जो है वो टेंसर रहता है रैंक जीरो का, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, उसके आइगन वैल्यू जीरो होंगी, उसके डायगनल टर्म्स जीरो होंगे या ट्रेस जीरो होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का याद रखिए डिटरमिनेंट क्या रहेगा, जीरो। जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है लाइक टू बाई टू में थ्री बाई थ्री फॉर्म में, उसका डिटरमिनेंट हमारा जीरो आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। जब आप इन्वर्स लेते हो किसी भी मैट्रिक्स का तो चेक करते हो कि वो सिंगुलर तो नहीं है, क्योंकि वन बाय डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हो, वन बाय ए इन्वर्स हो, वन बाय सॉरी डिटरमिनेंट होता है, अगर ये जीरो बन गया तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइगन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या रहती हैं, रियल रहती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ बड़े सिंपल आए हुए हैं, डिफ्रेक्शन है, पोलराइजेशन है, ये फिनोमेना सब लाइट के कौन से बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, वेव नेचर को, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है, वो किसको दिखाती है, पार्टिकल नेचर को, ओके, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। लास्ट वन क्वेश्चन अभी जो मैंने सोल्व किए हैं, क्या आया हुआ है, पार्टिकल है जिसका मास एम है, उसको थ्री डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स में रखा है, उसकी डीजनरेसी बतानी है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, मैंने फिर रिपीट कर रही हूँ स्टेटमेंट को, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, क्यूबिक बॉक्स में है या पोटेंशियल वेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्मियोन्स हैं, सबकी एनर्जी आएगी, एनर्जी क्या है, 14 पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई टू एम स्केयर।
आपको डीजनरेसी बतानी है, 6 fold 4 fold 2 fold non-degenerate। यहाँ से क्या होता है जनरल फॉर्मूला ई एन थ्री डायमेंशनल में एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जेड स्केयर इंटू पाई स्केयर एच क्रू स्केयर वाई टू एम ए स्केयर। दोनों को कंपेयर करो, एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जेड स्केयर की वैल्यू क्या 14 है। कौन कौन से स्टेट एग्जिस्ट करेंगे, या तो 2, 3, 1 बोल दो, 4 plus 9 plus 1, यहीं तो एनर्जी आ रही है। तो अब ये 6 डीजनरेट स्टेट है, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2, सबको एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जेड स्केयर में ले रही हूँ तो क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। इट मीन्स इट इज़ 6-fold degenerate। ओके, दिस वन इज़ राइट आंसर। थैंक यू। और इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी।